तो गाइस ये है हमारी गाड़ी और अब हम निकल रहे हैं अलवर के लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ और ये जो जर्नी है वो बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। भानगढ़ के किले की तरफ जाना था भाई साहब, ये जाएगा रास्ता कितने एक होगा यहाँ से दूर? यहाँ से होगा 10-11 किलोमीटर से कम, 15-20 किलोमीटर। नमस्कार गाइज, तो ओरिजिनल स्टोरीज एट द रेट अनदेखी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइज अब हम जा रहे हैं भानगढ़ किले की तरफ और अब आपको दिखाएंगे किस तरीके का जो वहाँ का व्यू है वो रहता है और बताते हैं कि ये बहुत ज्यादा खौफनाक और पैरानॉर्मल एक्टिविटी से भरा हुआ एक मोस्ट हॉन्टेड जगह है इंडिया की। तो देखते हैं आज हमें किस तरीके से जो है वहाँ पर विजिट हमारी रहेगी, तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। और गाइज ये देख सकते हो आपके किस तरीके से जो पुराना गाँव है और यहाँ पे पुरानी पुरानी एक हवेलियां बनी हुई है चारों तरफ, बहुत पुराने घर हैं और ये अजबगढ़ है जो भानगढ़ से पहले पड़ता है, तो हम उन्हीं में से उन्हीं गलियों में से अभी हम जा रहे हैं आगे की तरफ। तो ये लोकल नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं इस टाइम पर किस तरीके से यहाँ पर जो एक स्ट्रक्चर है अभी भी पुराने जमाने के, और ये बहुत ही ज़्यादा एक पिछड़ा हुआ इलाका भी लग रहा है हमारे को क्योंकि यहाँ पर एक तरह से कोई ज़्यादा फैसिलिटी हमें दिखी नहीं और बहुत पुराने जमाने की हवेलियाँ दिखी हैं जो खाली पड़ी हुई हैं। बने रही हमारे साथ, आगे भी बहुत कुछ बाकी है। गाइस बहुत देर हो गई चलते हुए और पता नहीं कब आएगा भानगढ़, और इस टाइम पर बस ये है कि हम चले जा रहे हैं और इस टाइम पे हमें नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है इस टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत लंबा रूट हो गया। मनीष जी कब तक पहुँचाओगे? बस अभी आधे घंटे में पहुँच जाएंगे जी, पहुँचने वाले। एक बार हमारे बोल दो व्यूअर्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, अच्छी लगे तो कमेंट भी करो ताकि हम आगे और ऐसी वीडियो बनाते रहे आप लोगों के लिए। धन्यवाद, थैंक यू गाइस, प्लीज कर देना लाइक शेयर सब्सक्राइब। और बस हम पहुंचने वाले हैं भानगढ़ के किले में, तो दिखाएंगे आपको कैसे रहता है आगे। थैंक यू गाइस, बीच में रुके हम, देख लीजिए आप किस तरीके का ये नज़ारा है। सामने इधर की साइड में पूरे पहाड़ी पहाड़ हैं और ये एक बहुत ज़्यादा एक सुनसान अब एक एरिया आ गया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और दिखाएंगे गाइस किस तरीके से रहेगा हमारा जो भानगढ़ का जो ट्रिप है। तो हम जा रहे हैं अब आगे की तरफ, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। अजबगढ़ की एंट्रेंस अब गाइस आप देख लो किस तरीके से, अब ये अजबगढ़ की एंट्रेंस आ चुकी है हमारे आगे। तो गाइस अभी हम ये अजबगढ़ को हमने क्रॉस किया है और अभी अभी हमें बीच में एक ये बावली दिख गई है, तो मैंने सोचा कि आपको ये दिखाता चलूं। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो बावली है ये यहाँ पर बनी हुई है। ये अजबगढ़ के किले के अंदर ही एक बावली ये जो बनी हुई है, आप देख सकते होंगे किस तरीके से है। यहाँ पर आगे का जो नज़ारा है इस तरीके का बन रहा है, यहाँ पर कुछ पेंटिंग भी बनाई हुई है। ये भानगढ़ के रास्ते में हमें एक जो कुआं पुराने ज़माने का होता था जिसको बोलते थे बावली, तो ये वो है। तो मनीष भाई आप कैसे क्या कहोगे, किस तरीके का लग रहा है आपको यहाँ पर?
देखिए ये एक ऐसी जगह है जो पुराने राजा महाराजा अपनी पानी की स्टोरेज के लिए या दुश्मन से बच के निकलने के लिए अपने परिवार सहित ये बनाए जाते थे जी जी, जिससे गांव में पानी की कभी कीमत दिक्कत ना हो और राजवंश में जो लोग हैं उनको दिक्कत ना हो। ओके, तो ये ऐसी जगह है जहां सिक्योरिटी ऑफ व्यू से और ये बनाए गए हैं। जी जी जी, ये बहुत पुराने चीजें यहाँ आए दिखाते हैं आपको, ये कितना गहरा है और क्या है इसके। ये देखिए गाइस, ये यहाँ से कबूतर उड़ के जा रहे हैं और अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये जो कुआं है ये देख लीजिए आप, ये है अजबगढ़ में जो बावली अभी जो बीच में पड़ी थी, हमने स्पेशल आपके लिए यहाँ पर रुकवा कर अब यहाँ पर आकर हम ये वीडियो आपको बनाकर दिखा रहे हैं किस तरीके से अजबगढ़ में ये बावली बीच में आपको रास्ते में पड़ेगी जैसे ही आप अजबगढ़ के एंट्री को पार करेंगे। मनीष भाई, अब देखो किस तरीके से, अब आप खुद से देख सकते हो कि किस तरीके से ये जो पुरानी इमारतें हैं, ये हवेलियां जो हमें रास्ते में दिख रही हैं, जिनका आज कोई वारिस नहीं है बंद, कोई पूछ, और मुझे नहीं लगता कि ये अभी की है, ये हो सकता है कि राजा महाराजाओं के ही टाइम की है, किसी ने उसमें कोई स्ट्रक्चर या कोई कुछ ऐसा नहीं किया हुआ, जैसी है वैसे ये पार्ट है किले का। और ये आप देख सकते हो कि इसमें खाली कमरे, और ये जो अंदर के अभी अभी मेरे को व्यू दिख रहा है किस तरीके से खाली कमरे पड़े हुए अंदर, बहुत ज्यादा पुरानी है ये बिल्डिंग्स इमारतें, ये देखो कितनी पुरानी इमारत है, ये देखो भाई, तो अब आप यहाँ पे आए हो, आपको मतलब कैसा फील लगा? जैसे मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत एक अलोन और एक अलग टाइप की जगह लग रही है मुझे, बहुत ही अलग है ये जगह, और मेरे लिए भी आज एक नया एक्सपीरियंस हो रहा है कि मैं ऐसी चीजें देखने को मुझे मिली है। और ये देखिए, क्योंकि शायद ये दीवार भी है, किसी किले की ही दीवार होगी शायद ये भी जो चल रही है साइड बाय साइड हमारे, और ये सामने आप देख सकते हो गाइस कि कितना पुराना, ये देखिए शायद ऊपर ये कोई अजबगढ़ का किला है, ये अजबगढ़ का किला है गाइस, जो पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है, आप देख रहे होंगे ये पहाड़ भी कोई ऐसा छोटा मोटा नहीं है, ये बहुत एक ऊंचाई पे बनाया गया है ये किला, अजबगढ़ का किला बताया जाता है ये। अभी देखिए किस तरीके से जो घुमावदार रास्ते हैं इस पे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशल आपके लिए ही हम लोग ये वीडियो बनाते हैं गाइस, तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा देना, और चैनल पे आप अगर नए आए हो तो प्लीज हमारी सारी वीडियोस एक बार चेकआउट जरूर करना। भारत की असली धरोहर ही बोला जाएगा, क्योंकि एक तरह से यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से कोई छेड़छाड़ भी नहीं करी गई है, जैसे कि और जैसे इमारतें होती हैं उसमें क्या करा जाता है कि आज की डेट में नए उनमें रेनोवेशन करा के उसको फिर एक नया रूप दे दिया जाता है, तो शायद मेरे को नहीं लगता कि यहाँ पे किसी ने कोई रेनोवेशन टाइप भी किया है, या फिर ये जैसा एज इट इज पुराने जमाने में था ये मुझे इस तरीके से अभी भी लग रहा है, जैसे जैसे हमारे बीच में जो पुरानी इमारतें आती जा रही हैं किस तरीके से लगता है आपको? आप ये इसमें कोई भी तरह की दखलंदाजी नहीं करी हुई है किसी भी तरह, ना सरकार की तरफ से ना किसी पब्लिक की तरफ से, जिस स्थिति में है ये टोटल नेचुरल है, और हम तो ये कहेंगे आप लोगों से भी कि एक बार आके आप विजिट जरूर करना चाहिए। राइट राइट राइट, ये है हमारे भारत की असली धरोहर। यस, क्योंकि अभी अभी हम लोग जिस तरीके से आगे जा रहे हैं एक एक्साइटमेंट रहती है कि आगे, मतलब बोलते हैं कि बहुत हॉन्टेड है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, और रात को बोलते हैं कि वहां पे 6 बजे के बाद वहां पे एंट्री भी नहीं मिलती है भानगढ़ के किले में, तो ये भी एक एक्साइटमेंट को क्रिएट और ज्यादा कर देता है कि भाई ऐसा क्या है वहां पे कि इस तरीके से रहता है, क्योंकि वहां की जो स्टोरी है वो भी एक बहुत एक तंत्र विद्या से जुड़ी हुई है भानगढ़ के किले की, जो हम आगे जाके आपको किले के अंदर जाके बताएंगे कि क्या था वहां का एक इतिहास, कि वो पूरा का पूरा किला एक रात में वो एक पूरा तबाह हो गया था, तो हम आपको आगे जस्ट हम पहुंचने वाले ही हैं, तो हम आगे आपको बताएंगे कि क्या थी स्टोरी और एक एक पार्ट जो किले का है वो आज हम एक्सप्लोर करेंगे। कहीं कोई मिलावट नहीं है, देखो गाइस किस तरीके से कैमल जा रहे हैं यहाँ पे, ऊंट जा रहे हैं, करो कैमल राइड, कैमल राइड, और सामने का नजारा देख लो आप कितना प्यारा आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो, बट हम अभी एक राजस्थान के बीच में चल रहे हैं एक तरह से,
बट यहाँ पर फीलिंग आ रही है जैसे हम कोई हिल स्टेशन पे जा रहे हैं, तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं आगे की तरफ। देखिए गाइस कितना प्यारा नजारा आ रहा है। पार्किंग है कहाँ? सामने। वहां से फिर किले तक के लिए? किला ही आ गए सामने। तो बस किला ही है? पहले पैसे ले बाद में ले? पहले ले यार, बाद में ले लियो। बाद में गाड़ी का ध्यान यार, ध्यान तो तुम्हें सारा कुछ रहे भाई। कितने? तो नमस्कार गाइस, तो अब हम आ चुके हैं भानगढ़ के किले के अंदर। आप देख सकते होंगे मेरे पीछे ये जो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है टूटा हुआ, ये वही स्ट्रक्चर है जो भानगढ़ के किले में अभी जो लास्ट बचा हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भानगढ़ का जो ये जो एंट्री करते ही आपको दिखता है, ये है उस जमाने का जो मार्केट बोला जाता था, जो दुकानें थी यहाँ पर, ये वही है। और आपको शायद वहाँ पर दूर सामने दिख रहा होगा वो है एक तांत्रिक का जो कुटिया बोली जाती थी, तो ये वहाँ पर बैठता था तांत्रिक, जिसकी वजह से ये पूरा भानगढ़ का किला जो था वो तबाह हो चुका था। तो अब हम आपको आगे दिखाते चलेंगे कि किस तरीके से ये जो दुकानें थी इनका स्ट्रक्चर है, इनको आपको एक बार मैं प्लीज क्लोज आपको एक विजुअल दिखा देता हूँ। तो गाइस अब हम जो भानगढ़ का जो पूरा टूर है वो हम आपको अब करके दिखाएंगे। यहाँ पे हमने स्पेशली आपके लिए एक गाइड भी किया है जो यहाँ के बारे में पूरा बताएंगे कि यहाँ पर किस तरीके से जो चीजें थी वो एक तरह से तबाह हुई थी उस जमाने में या बर्बाद हुई थी, और क्या किस तरीके से जो यहाँ पर पैरानॉर्मल जो बताया जाता है कि पैरानॉर्मल भी यहाँ पर जो बहुत ज्यादा बाई जाती है, यहाँ पर बताते हैं कि बहुत ज्यादा एक शाम को 6 बजे के बाद भी आना भी मना है, तो वो हम आपको आगे क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सॉन्टेड प्लेस अलवर जिले का लास्ट बॉर्डर में आता है जी। तो राजस्थान में है, इसी में लास्ट बॉर्डर अलवर का ये है, इसी से आगे। अच्छा आप मेरे को एक चीज बताओगे कि ये हॉन्टेड बोला क्यों जाता है, क्या है, मतलब ऐसा रीजन है? पैरानॉर्मल मतलब नेगेटिव एनर्जियां अभी भी पाई जाती है, अभी दिन के अंदर भी इसमें परछाइयां वगैरह महसूस हुई हैं। दूसरे नंबर यहाँ गोस्ट वगैरह की पूजा होती है, जिन्नी वगैरह की, जिन्नी उसको बोला जाता है, ये सब उससे भी पावरफुल होते हैं। ओके, जिन वगैरह को भी पूजा जाता है, चिराग वगैरह जला हुआ है फोर्ट के अंदर, माल कम से कम अभी भी जाके देखे तो 1500 सिगरेटे उगरेटे छड़े हुई मिलती है, सिगरेटे ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, और पैरानॉर्मल बहुत भी ज्यादा है वहाँ पे। टूरिस्ट वगैरह को किसी को हम लेके नहीं जाते, क्यों, कोई ड्रिंक बाजी करा हुआ हो, किसी के कुछ हो कर जाए, इसलिए हम किसी को भी वहाँ अंदर प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों, कोई पी के चल जाता ड्रिंक वगैरह पी के, इसलिए। तो इसमें क्या है कि ये 4.5 किलोमीटर के अंदरों की इसकी पूरी बसावट है, जिसे में ये जयपुर मैच से जाना जाता था, पहले जयपुर यही था पुराना, तो इसी के 1500 मतलब ये पहले जयपुर माना जाता था, पहले जयपुर यही था साहब, उससे पहले का जयपुर ये था। 1556 में इसको जोधा का भतीजा ने मान सिंह ने बनाया था। ओके, जय अकबर का दीवान सेनापति, ठीक है, मान सिंह ने बना के 1556 में इसी के छोटे वाले भाई की राशि राजधानी बना के गया था माधु सिंह की, राजा माधु सिंह, रानी रत्नावती। माधु सिंह जी के टाइम पे इसी की 5 किलोमीटर के अंदरों के 5 एंट्रेंस अंदर आने के होते थे, 5वें एंट्रेंस जयपुर नाम से ही जाने जाते थे। ओके, फर्स्ट एंट्रेंस तो था दिल्ली एंट्री। ओके, दूसरा एंट्रेंस था फुलवारी गेट, तीसरा एंट्रेंस था हनुमान गेट, चौथा एंट्रेंस था अजमेरी गेट, पांचवा एंट्रेंस था लाहवारी गेट। तो इसी में 5 एंट्रेंस में 14,000 के अवंधी लोग रहते थे, फिर ये 4 एंट्रेंस तो होते थे पब्लिक सिटी के लिए। Okay. और मेन हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ से ढोक खा के जितने भी गेस्ट आते हैं वो अंदर ढोक खा के अंदर आते हैं, ढोक खा के बाहर निकलते हैं। अब ये चीज बताएंगे कि ये अंदर ये क्या चीजें हैं। तो उसी में से ये मेन एंट्रेंस में से टिकट लेते हैं, ये एंट्रेंस होता था मार्केट सिटी के लिए, ये पूरा मार्केट होता था। ओके, जोहरी बाजार था, ये जोहरी बाजार था। इसमें 425 शॉप बनाए हुए हैं, ये 3-3 फ्लोर का था। Okay. इसी तीन फ्लोर का था, तो ये पूरा ओरेंजल एरिया है। इसी एंट्रेंस से 500 मीटर आगे तरपोलिया एंट्रेंस है। Okay. तरपोलिया एंट्रेंस तक पब्लिक सिटी और मार्केट सिटी का ही एरिया होता था, और Okay. तरपोलिया एंट्रेंस से फोर्ट तक वो पूरा राजा का होता था, वो सामने दिख रहा वो फोर्ट, वो राजा का फोर्ट होता था, वो 7 फ्लोर था। Okay. उसी में से 3 फ्लोर गिर चुके ऊपर से, अभी 4th फ्लोर ही बचा हुआ है। Okay. 4th फ्लोर बचा हुआ है, जिसमें नीचे वाले फ्लोर में 3 सुरंगें होती थी,
तीन सुरंगों के 21 रास्ते होते थे, एक सुरंग से 7 रास्ते होते थे। तो राजा महाराजों के लोगों के पास में वो क्या है, निशान से निकलते थे। तो वो निशान से निकलते थे, वो लोग पार हो जाता था। दूसरा आदमी फोर्ट से भी ज्यादा गुना भाग उसमें लगाते थे सुरंग के अंदर, तो बिगर निशान लोग घुस जाते थे, वो पूरे लोग अंदर के अंदर ही रह जाते थे। तो यहाँ के तो सब इसमें है ना, वो तीन सुरंग थी, वो तीन सुरंगों में 21 रास्ते होते थे, तो वो निशान से निकलते थे वो लोग। तो उन्हीं में यहाँ के गुजरक बताते थे पहले, तो यहाँ के लोग गुजरक बताते थे किसी की शादी अहूदियाँ थी, उसी में 100 लोगों की बारात आई हुई थी। जैसे मालियाँ बताते थे, बोरिया माली नाम का एक, तो उसी में वो गुजरक था पहले का, कम से कम 100 साल पहले का गुजरक आदमी था। उसी ने बोला यहाँ पे कहीं शादी थी, उसमें एक बारात आई हुई थी, उसी में एक लोग उस सुरंग के अंदर देखने के लिए घुस गए, तो 100 के 100 लोग उसके अंदर घुसे, तो 100 लोगों में से एक भी लोग वापस नहीं आ पाए सुरंगों के अंदर। तो ये जो बारात जो आई थी वो इसी के लिए में आई थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी में ये सुरंगें होती थी, तो इसी के यह 7 फ्लोर था फोर्ट, उसमें से 3 फ्लोर गिर गया, अभी 4 फ्लोर ही बचा हुआ है। तो वो ऊपर वो टावर था, वो छतरी पे बना हुआ है पहाड़ के ऊपर, वो इसलिए था भाई कोई चारों तरफ से हमला वगैरह होए, आक्रमण होए, तो खबर कर दे सुरंग उरंग से निकल जाए। अच्छा तो, एक चीज बताइएगा कि ये हमने सुना है कि एक कोई तांत्रिक था जिसने रानी को कोई ऐसा कोई तेल जो दिया था। देखो देखो उसकी क्या कहानी है? देखो सर, वो ऊपर वो गार्ड रहता था, तो वो गार्ड ऐसा था जैसे अभी अपन कोई भी गार्ड रख लेंगे, भाई बच्चा होगा तो बच्चे की जैसे रखेंगे, बड़ा होगा तो भाई की जैसे रखेंगे। अपन को ऐसा पता है नहीं था भाई, वो गार्ड कुछ वो गार्ड ही रहता था ऊपर, वो तंत्रिक वगैरह जानता था। ओके। उसी का नाम था सिंधिया सेवड़ा, सेवड़ा था वो, तो सेवड़ा उन्हीं को बोला जाता था जो कोई तंत्रिक वगैरह करते थे, काला जादू करते थे। अच्छा, उन्हीं को सेवड़ा बोलते थे, उन्हीं का रहने का घर था ये, नेट्रस डांसर्स हवेली थी, जो मुद्रा करते थे, नाच गाने करते थे, उन्हीं का रहने का घर वगैरह होता था, अंदर नाच गाने होते थे, उनका रहने का घर था। तो साहब वो ऊपर रहता था, वो गार्ड कुछ तंत्रिक वगैरह जानता था, तो वो ऊपर से रानी वगैरह को भी देखता था। तो वो रानी इतनी सुंदर थी, उसी के कंठ से भी पानी दिखता था, गले से भी। तो वो रानी को देख के वो मोहित हो गया वो तांत्रिक। तो एक दिन क्या हुआ, वहाँ से कुछ दासियाँ उसके लिए इत्र वगैरह परफ्यूम उर्फ्यूम लेने आई थी। तो यहाँ पे वो गार्ड बैठा हुआ था, वो उस दासी के पास से लेके उसमें कुछ ऐसा मत्तर किया, तो वो उसने क्या किया उसमें, ऐसा तांत्रिक ने ऐसा मत्तर किया और इसको रानी लगाएगी और ऑटोमेटिक मोहित होके अपने पास आ जाएगी। तो जब वो दासी उस इत्र को लेके गई, तो रानी भी कुछ जानती थी, तो वो इतर में कुछ ऐसा मत्तर था, वो खुद लगा लेती तो खुद चल जाते उसके पास में। तो खुद ने लगाया नहीं, उसने एक शिला पे डाला, तो शिला पे ऐसा एक जो शिला मतलब पत्थर पे पत्थर चट्टा। ओके। तो उसी पे डाला, तो वही ऊट के मोहित हो गए, उसी के तांत्रिक के ऊपर जाके, सर के ऊपर जाके गिरा। ओके। तो उसी के ऊपर जाके गिरा, तो वो मरता हुआ पूरी शराब दिया, पूरे साफ एरिया पूरा खाली हो जाना चाहिए मात्र 3 घंटे के अंदर, नहीं यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना वो सब मारे जाएंगे। तो उन्हीं में से जो 14,000 लोग थे, उन्हीं में से 30% लोग ही बाहर निकल पाए थे। ये तो हुआ क्या था सर यहाँ पर? वो उस तांत्रिक ने शराब दिया था ना जो रानी, तो उसने बोला अब यहाँ 3 घंटे के अंदर पूरी नगरी खाली हो जानी चाहिए, नहीं मैं तो मर रहा हूँ, मैं शराब देता हूँ इसी के अंदर, ना तो कोई बचेगा नहीं वापिस ये बचेगा। तो उन्हीं में से जो 14,000 लोग थे ना, उन्हीं में से 30% लोग ही बचे थे, 70% लोग अंदर रह गए थे, वो अंदर ही मारे गए थे। क्यों मारे गए थे? कि ऐसा भूकंप आया था 4.5 किलोमीटर के अंदर, इसमें जितने भी छतें थी प्रजा की वो सब छतों को डैमेज कर दिया था। इसी के अंदर 5 टेंपल्स मंदिर हैं, 5 टेंपल्स मंदिर की ही छतें हैं, नहीं बाकी किसी भी प्रजा के मकानों के छतें वगैरह अच्छा नहीं थी, मतलब सिर्फ मंदिर की, मंदिर की। तो मंदिर के ऊपर तंत्रपणा चला नहीं, वो सेफ बच गया, प्रजा का सब कुछ बर्बाद हो गया। तो वो जितने वो एक मंदिर ये 5 मंदिर हैं इसमें, तो ये 5 अंदर बचे हुए थे। तो इसमें क्या है कि ये भी यहाँ वो जितने भी लोग मरे थे ना, उन्हीं को बोला था भाई यहाँ 7 पीढ़ियों तक मोक्ष वगैरह नहीं मिलेगा। तो आज भी उनकी नेगेटिव एनर्जियाँ यहाँ कम से कम 10-20,000 तरह की आवाज़ें रात के टाइम पर आती है इसमें। तो ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे जंगल है इस वजह से आती है? नहीं 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 साहब, जंगल का तो अलग हुआ है प्रभाव, बाकी वो आवाज़ें अलग होती हैं, क्योंकि वो अलग ही आवाज़ें आती हैं, क्यों यहाँ के आसपास के लोग होते हैं ना जी, वो सब जानते हैं कौन सी आवाज़ें कौन सी होती हैं। तो वो नेगेटिव एनर्जी है कि अलग ही आवाज़ें आती हैं,
और कई बार किला चमक जाता है, लाइटें उठे दिखते हैं यहाँ के लोगों को। अच्छा, मार्केट वर्केट सज जाते हैं, आवाजें आवाजें आती हैं दिन में भी। जैसे बैक साइड होता है ना, दोनों साइड वाले जंगल वाला रास्ता, जी जी जी, उनमें छलावा बिगड़ा की अभी भी आवाज आती है। जो काचे कलवे होते हैं ना, हाँ जी, उनकी आवाजें आती हैं अभी भी। तो बकरी वाले ना कभी तो बकरी उकरियों को छोड़ के बाहर भग जाते हैं, इतनी आवाजें आती हैं अभी भी आने के टाइम। लोगों ने सुनी है? हाँ, सुनी कैसे नहीं है, देखा भी है। सुनी कैसे है, देखा भी है लोगों ने, लोगों ने देखा। हाँ, यहाँ के लोगों ने देखा भी है। तो वो क्या है, वो क्या है, वो चीज है ना, जैसे दिन में टूरिस्ट आते हैं, तो टूरिस्ट तो लाखों आते हैं, तो वो गणसत्र के हिसाब से दिखती है वो चीजें। तो यहाँ के लोगों को तो रोज काम है, तो उन तो रोज ही आवाजें आती हैं उनको, तो वो तो जानते हैं। अब ये जैसे ये जो मंदिर है, इस मंदिर में मेरे ख्याल से ये बच गया है मंदिर। मंदिर पांच बिल्कुल सेफ है, शायद वो सामने मंदिर जैसे है। इसमें पांच मंदिर हैं, एक तो एंट्रेंस पे अपन ने देखा है वो हनुमान जी का है, जी। दूसरा ये गोपीचंद कृष्ण भगवान का है, तीसरा वो सोमेश्वर शिव भोले का है, सामने वो चौथा वो मंगला देवी का है। देखो इधर दिखेगा पीपल का, ये रहा वो रहा वो रहा, जी 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 वो रहा, देखो उधर, हाँ जी दिख गया, वो मंगला देवी का, पांचवा वो केसुराई देवी का, और ये राज पुरोहितों की हवेली है, और ये राजा का फोर्ट है सा जहाँ पर आप बता रहे थे चमकादड़ वगैरह का ज्यादा, और वो जिनी का मंदिर है जो वो संदूर लगा हुआ ना इधर वाले फ्लोर में, हाँ जी हाँ जी, लाल लाल लग रहा है, हाँ जी हाँ, वो इधर की साइड ये आप थोड़ा वो जिनी का मंदिर है, वो राजा का फोर्ट है, जिसमें ये नीचे का फ्लोर है, ये पूरा पूरा फोर्ट क्या है, ये पूरा एंट्रेंस से अंदर लेता है ना, बाउंड्री से अंदर, ये पूरा हॉन्टेड 200 मीटर बाहर तक भी कंट्रोल करता है। अपनी गाड़ी के बाहर का एरिया है ना 200 मीटर, वहाँ पर भी हॉन्टेड एक्टिविटी वहाँ तक, मतलब बाहर तक वहाँ तक प्रभाव करता है। दूसरे नंबर यहाँ के गांव वाले लोग होते हैं ना, वो गांव तक कई बार महसूस होता है कई लोगों को। तो मतलब ऐसी कैसी एक्टिविटी आपको दिखती है कि आप लोगों को मतलब इतना खौफ आपके मन में? जैसे वो आवाजें होते हैं ना, वो अलग ही होते हैं नेगेटिव एनर्जी की। ओके, और किसी को नुकसान भी पहुँचाए कभी? जैसे सब उसी के गणसत्र के हिसाब से किसी को नुकसान पहुँचाती है। यहाँ पे क्या है, कई टूरिस्टों का गणसत्र के हिसाब से किसी पे परछाइयाँ भारी पड़ जाती है ना, जी 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 जी। तो वो लोग इसमें 10-5 लोग अभी भी साल भर में मर जाते हैं। ओके, जैसे अभी भी ऐसा होता है यहाँ पर, जैसे किसी के लग जाए। दूसरे नंबर यहाँ पे है ना, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन, शनिवार के दिन यहाँ कम से कम 7 बजे से 12 बजे तक नेगेटिव एनर्जियाँ फोर्ट के अंदर प्रभाव दिन में भी लेती हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी वगैरह यहाँ लेते हैं ना, वह निकालते हैं, वैसे यहाँ लेडीज और सिस्टर वगैरह में यहाँ पे नेगेटिव एनर्जियाँ निकाला जाता है। दूसरा नंबर, यहाँ के गांव के लोग नेगेटिव एनर्जी के मामले में इतने समझते हैं, तो 100 किलोमीटर तक के लोग आज इतने भय में हैं, तो उनकी जितनी भी सिस्टरें हैं लेडीज़ हैं आती है ना, वो 100% में से आपको 10% भी खुले बाल नहीं मिलेंगे उनके, सबके बंधे हुए मिलेंगे, 10% भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाती है। तो वो क्या है, वो ज़्यादा सेफ्टी बरतते हैं, तो आज भी उनके इतना वो है, तो वो मीठा परफ्यूम इत्र वगैरह लगा के यहाँ पे कभी भी वो नहीं करते। ये जो सामने जो ये जो मेन जो फोर्ट है, ठीक है, इसकी आपने बताया कि राइट साइड में अगर मैं जाऊंगा तो जिन का टेंपल है, लेफ्ट साइड में जाऊंगा तो लेफ्ट में जाएंगे तो 6 रूम है हॉन्टेड प्लेस, जिसमें दिन में परछाई दिखती है, उसमें दिन में भी अटैक भी। तो अभी मेरे को जाना चाहिए आपके हिसाब से? देख लो आपकी इच्छा के हिसाब से, हम तो क्या, बाकी वैसे दिख भी सकता है कुछ? हाँ बिल्कुल ना, दिन में भी जैसे गणसत्र का हिसाब होता है, दिन में कोई नहीं दिखेगा, खूब दिखेगा। चलिए फिर जाते हैं, फिर हम लोग देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल सर, राइट।